Audio Jungle. Audio Jungle. क्या खा रहे हैं आप? पिज्जा खा रहे हैं। टेस्ट लग रहा है। बस यही बोलना आता है, कितना टेस्टी लग रहा है। और ये देखिए, आम का सीजन शुरू हो गया है गर्मियों के लिए। अभी से आम पकने शुरू हो जाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग मज़े से गर्मी में आम खाएंगे। कितना प्यारा लग रहा है। तो मेरे गेस्ट हाउस का ही है तो मैंने बस इसे कैप्चर कर लिया। और ये खाना बनते हुए गेस्ट हाउस में, मेरे गेस्ट हाउस में गेस्ट का खाना बन रहा है, तो यही था। ये मटकोर होने जा रहा है गेस्ट हाउस में, तो मैंने बोला छोटा छोटा क्लिप डाली देती हूँ। ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बनते हुए छोले भटूरे, आपको भी खाना है, देख के मन में लालच आ गया ना, तो आइए कभी हमारे गेस्ट हाउस, आपको भी खिलाते हैं छोले भटूरे। हो गया। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और नेक्स्ट मॉर्निंग, नया दिन, नया काम, नई शुरुआत, तो मैंने सोचा एक नया ब्लॉग भी शूट किया जाए। अभी पहला ब्लॉग मैंने कल ही एंड किया है, आज इसको एडिट करूँगी। आई थिंक 2-3 दिन बाद फिर उसको डालूँगी। आज एडिट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा ही हैट्रिक डे है, तो इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में उसको बनाया है मैंने। देखती हूँ ये दिन कैसे निकलता है, क्या दिखा पाती हूँ आप लोगों को। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में, उसके भी पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि शादियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है और बहुत ज़्यादा लगन है। कल मैं रात को तो लगभग 1:15 बजे घर आई हूँ, तो अभी आँख भी अच्छे से नहीं खुली है, बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है। बट अभी बज रहे हैं 9:15 और मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि काम है तो उसको तो नहीं छोड़ सकते। तो बस अपने दिन की शुरुआत मैंने कर ली है और मैं निकलती हूँ ऑफिस और फिर देखती हूँ आके आगे मैं आपको क्या दिखा सकती हूँ। और गर्मी बहुत है तो प्लीज़ आप लोग बच के रहिए। फिर चलिए चलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अगेन नेक्स्ट डे, मैं उस दिन को सोप नहीं कर पाई और आज दूसरा दिन स्टार्ट हो गया। और आज भी बुकिंग चल रही है, कल तिलक था जो बुकिंग है और आज शायद हल्दी या मेहंदी है, तो उसकी सजावट चल रही है हॉल में। वो लोग खुद ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ है, तो हैंडमेड ही कुछ कर रहे हैं। मैंने देखा कुछ फ्लावर्स वगैरह लगा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, छोटा मोटा फंक्शन टाइप ऐसे ही गेट टुगेदर, तो वही हो रही है अभी। और हम लोगों की पार्टी एक आउटडोर भी है तो वहाँ भी पार्टी की तैयारी चल रही है। पार्टी शॉर्ट की लंच और डिनर है हम लोगों की तरफ से और यहाँ जो है वो है ही, तो बस वही हैट्रिक के चल रहा है। अभी थोड़ा सा मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि चलो ये बता दूँगी आप लोगों को, क्योंकि फिर शायद कल की तरह या फिर पिछले ब्लॉग में जैसा हुआ उसी तरह में कुछ ना सिर्फ इंट्रो शूट करके छोड़ दूँ, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं अभी मैं फ्री हूँ तो थोड़ा इसको बता देती हूँ। और शादियों का सीज़न देखने में बहुत अच्छा लगता है, छोटे छोटे रीति रिवाज, ऊपर से हम लोग भारतीय लोग तो जानते ही हैं कि अपने परंपराओं को लेकर कितने ज़्यादा ही इमोशनल हैं। हर छोटी छोटी रस्मी रिवाज देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है।
हो भी रहा है तो अच्छा लग रहा है। इन शॉर्ट काम के साथ साथ ये भी इंजॉय कर रही हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा हैट्रिक हो जाता है क्योंकि नॉर्मल डेज में कुछ गिने चुने गेस्ट रहते हैं और शादी विवाह में जैसे फंक्शन में तो जानते ही आप गेस्ट की संख्या बढ़ जाती है, तो ज़्यादा ही गैदरिंग, ज़्यादा कंप्लेन, ज़्यादा सारी बातें सुनना, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर भी ज़िंदगी इसी का तो नाम है, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत जो पता ही रहता है, तो बस नाम ये रही है, बने रही है, देखते हैं आगे और कुछ सूट कर पाती हूँ कि नहीं, याद आता है कि नहीं, कोशिश तो रहती है यार, बट हो जाता है। ठीक है फिर मिलती हूँ आपसे। आज मैंने रिकॉर्ड किया जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों को, आप लोगों ने देखा कि लड़की की हल्दी की रस्म चल रही है और उसकी फैमिली में कुछ दिखाऊं, ये देखिए। एक्चुअली क्या हुआ ना, जो मेहंदी लगाने वाले आए हुए हैं उनको मेरा नेचर इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने सामने से आके बोला कि मैम आप भी मेहंदी लगवा लीजिए। मैंने बोला मैं चार्ज नहीं दूंगी क्योंकि मेरे यहाँ मेहंदी फंक्शन थोड़ी है, मैं क्यों मेहंदी का चार्ज दूंगी। तो बोले कि नहीं मैम आपका नेचर इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं सामने से आपको मेहंदी लगाना चाहता हूँ क्योंकि आप भी लगा लीजिए, मेहंदी का फंक्शन भी है। तो उन्होंने मेरे लिए ये मेहंदी चूज़ किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा और उनका नेचर भी बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बोला कि थैंक यू, ऐसा आजकल वैसे कोई करता नहीं है कि बिना पैसे के कुछ भी करे, बट ऐसे लोगों को देख के लगता है कि नहीं दुनिया में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो नेचर को तवज्जो देते हैं और उन्हें मेरा नेचर अच्छा लगा, उसके लिए मैं उनके लिए उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, बस सबसे मुस्कुरा के हंस के खुश रहिए, देखिएगा आपका नेचर सबको अच्छा लगेगा और मैं भी वही करती हूँ और कोशिश रहती है कि हमेशा मुझे सब कोई खुश रहें। तो देखिए उसका इनाम, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। लगभग मेरे ख्याल से मैंने लास्ट आई थिंक राखी में ही मेहंदी लगाई थी, उसके बाद टाइम ही नहीं मिल पाता है मेहंदी लगाने का, बट लकली आज लग गया तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेहंदी लगवाना क्योंकि उसका कलर जब आता है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यही खुशी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है फिर मिलते हैं। अभी रात के 12 बजने वाले हैं और मेरे फेस पे आप टायर्डनेस देख सकते हैं, मैं कितनी टायर्ड हो चुकी हूँ। यहाँ इंडोर आउटडोर दोनों जगह ही पार्टी चल रही है, तो यहाँ का मैं देख रही हूँ और बाहर का जो पार्टी है वो अभी देख रहे हैं। अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मैं ऑफिस में रहूँ, बट आई थिंक मुझे कुछ रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं जा पाऊँगा। और आँख पूरा जल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे बस सोना है, फिर भी क्या कर सकते हैं। तो
थोड़ा वेट करती हूँ और क्या, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। कल सुबह नया दिन, ज़्यादा सूट नहीं कुछ किया, बिजी ही रह गए, जैसा कि आप लोगों को बता ही रही हूँ कि बिजी चल रहा है। होपफुली आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, मिलती हूँ फिर कल। और आप ये भीड़ देखिए, ये 14 दिन के बाद की भीड़ है। KGF 2 में मूवी देखने आई थी तो ये भीड़ देखिए। रोकने से भी नहीं रुकेगी तुम्हारी ये सल्तनत। मैंने देख लिया और मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, जैसा कि आप लोगों ने भीड़ देख के अंदाजा लगा लिया होगा। तो अभी चलते हैं बाहर, देखते हैं कुछ काम निपटाना है, निपटा लेते हैं उसको। छोटे से ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, जो बहुत बड़ा ब्लॉग नहीं है ये, बट होपफुली आपको अच्छा लगेगा ये ब्लॉग। मैंने कोशिश की बिजी शेड्यूल में भी आपके लिए थोड़ा थोड़ा करके ही सही, बट एक ब्लॉग रेडी करने की। तो देखिए और बताइए कि आपको कैसा लगा, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।